इनके पास है, 120 शेयर हैं और खरीदारी भी 120 की ही है, क्या किया जाए? शिपर कुछ स्टील के काउंटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 6-7 हफ्तों से यहाँ पे मोमेंटम जो है वो नहीं दिख रहा है। टाटा स्टील इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने देखा कि 110 जरूर पहुंचा था, पर वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, अपने जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली फ्रेम में उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है काफी हफ्तों से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि मोमेंटम जो है वो कम है, और तो जो डाउन साइड है वो भी लिमिटेड रहेगा, पर अपसाइड जो है वो भी कहीं ना कहीं कैप रहेगा। तो यहाँ पे एक 105 का एक स्टॉप लॉस बनाए हुए रखे, ऊपर में 110 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके ऊपर फिर हम वापस ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, और फिर हमें बाइंग प्राइस के और मिलेगा कोई।